अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व असहाबिही व बारिक वसल्लम व सल्ली अलैहि। दुनिया के तमाम देखने वालों को, तमाम चाहने वालों को, तमाम प्यार करने वालों को और जहाँ जहाँ तक इस वक्त मेरी आवाज़ को सुना और मुझे देखा जा रहा है, जुनैद इकबाल की जानिब से इंतहाई मोहब्बत के साथ अस्सलामु अलैकुम। एक बार फिर नाज़रीन, आपको पुरनूर सुबह नूर के साथ मैं दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। और आइए बिला तवक्कुफ चलें हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली अलैहि रहमा की तालीफ अस्माउन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इस्म मुबारक पढ़ने और सुनने की सआदत हासिल करते हैं। सैयदुना अशरफुन नास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार तमाम जहानों से अशरफ, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आले पाक पर और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन पर। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका सालिहा से रवायत है कि एक मरतबा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर होकर अर्ज करने लगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने मशरिक़ और मगरिब को उलट पलट कर देखा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा हसीन, रहमदिल, सखी और शरीफ मिजाज किसी को नहीं देखा। जनाब, जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि आज इंशाअल्लाह हुज़ूर गौसुल आज़म दस्तगीर हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जो अकाबरीन उम्मत की जो अकीदत है नाज़रीन, उस पर बात करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है। दीन इस्लाम की तारीख साज़ और लासानी शख्सियत यकीनन शेखुल जिन्स जिन वल इंस, मजदर फैज़ान विलायत और मजहर अनरे अनवार नबूवत, गौस आज़म, गौसुल वरा, गौस समदानी, महबूब सुबहानी हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाज़रीन मकाम और मरतबे के बारे में ये बात अज़हर मिन शम्स है कि जिस अदब एहतराम और मोहब्बत से अकाबरीन उम्मत ने, उलमा ने, सूफिया ने उनके मकाम और मरतबे को तस्लीम किया है, यानी इमाम इब्ने क़ुदामा रहमतुल्लाह से लेकर आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुर्रहमान तक और शेख शहाबुद्दीन सुरवर्दी रहमतुल्लाह से लेकर पीर महर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह तक, जिस मोहब्बत चाहत से उनकी बारगाह में अपनी अकीदतों और मोहब्बतों का इजहार उलमा और सूफिया ने किया नाज़रीन, और जिस अकीदत के साथ उनकी बारगाह में अपने सरों को झुकाया है, वो अपनी मिसाल आप है। यानी ये अल्लाह ताला का खास इनाम और फजल खुदाबंदी है कि महबूब सुबहानी सिर्फ दुनिया विलायत में ही गौस आज़म न थे, बल्कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इल्मी दुनिया के भी गौस आज़म थे, बल्कि यूँ कहिए कि अपने इल्मी कद के बिना पर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमाम अकबर थे। यानी क्या शान होगी नाज़रीन और क्या मकाम होगा कि एक तरफ तो वो वक्त के बड़े बड़े सूफिया जो कि ज़ाहिर है सूफीज़म में अपने कद रखते थे, अपने अपने दौर में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बिशारत देते हुए नज़र आते हैं, और वक्त के मुआसिर शुयूख जो हैं अपने अपने मकाम व मरतबे को बालाए ताक रख के आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर होते हुए नज़र आते हैं, और दूसरी तरफ नाज़रीन ज़ाहिरी उलूम के शाहकार वक्त के अकाबिर उलमा आपकी बारगाह से फैज़याब होते नज़र आते हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुजस्मा रूहानियत, पैकर इल्म हिकमत, कासिम इरफा, काशिफ असरार, हामिल मारिफ हकायक, गौस सकलैन, बल्कि मजहर शान नबूवत और मजदर फैज़ान विलायत बने हैं। महबूबा ने बारगाह इलाही में नाज़रीन ऐसे कम ही लोग होते हैं जो कामिल तौर पर मजहर शान खातिमियत नबूवत हों। सैयदी गौसुल आज़म वो हस्ती हैं जिनको इस कायनात की सबसे अजीम बारगाह से, यानी बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हिस्सा मिला। यानी कमाल ये नाज़रीन के सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के चीफ एडवाइज़र इमाम इब्ने क़ुदामा रहमतुल्लाह अलैह हुज़ूर गौसुल आज़म के शागिर्द भी थे, उनके खलीफा भी थे, जिनको महबूब सुबहानी की उम्र मुबारक का आखिरी बरस सिर्फ मैसर आया था, और जो बरमला आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इल्म ज़ाहिर और इल्म बातिन का इस अंदाज से इजहार फरमाते थे और उसको तस्लीम करते थे कि आपको उस रियासत का शहंशाह मानते थे। यानी इसमें कलाम ये था और कमाल ये था कि अल्लामा इब्ने तैमिया इब्ने क़ुदामा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इब्ने तैमिया ने जिस मोहब्बत और अकीदत का महबूब सुबहानी से इजहार किया है, दरअसल वो अपने दादा उस्ताद के बारे में इजहार कर रहे थे। नाज़रीन कराम, हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसी कमाल शख्सियत हैं कि आपको इब्ने तैमिया जैसी शख्सियत ने अश-शेख और कुतुबुल आरिफीन कहकर पुकारा है। इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने मनाकिब शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में लिखा है कि आप
आपकी मजलिस में 70,000 का मजमा होता, जो आवाज 70,000 के इज्तिमा में पहली सफ़ के लोग सुनते थे उतनी ही आवाज 70,000 के इज्तिमा की आखिरी सफ़ के लोग सुना करते थे। फिर फरमाते कि इस मजलिस में इमाम इब्न जौज़ी जैसे हजार हा मुहद्दिसीन, आइम्मा फिक्ह, मुतकल्लिम, नहवी, फलसफी, मुफस्सिर बैठते थे और इक्तिसाब फैज़ किया करते थे। इस तरह ख्वाजा ख्वाजगान हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह नाज़रीन आपके मर्तबे का इकरार करते हुए बारगाह गौसियत में इस तरह फरियाद करते हैं कि या गौसे आज़म, आप हिदायत के नूर, अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह के महबूब, मकबूल और पसंदीदा हैं। दो जहां में बादशाह बुलंद मर्तबे के कुतुब हैं और ज़मीन व आसमान आपकी अजमत व शान पर हैरान हैं। हाफिज़ शम्सुद्दीन साहबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने वक्त के शेख, आरिफीन के पेशो, मकामात रफिया और करामात कसीरा के मालिक, खुतबात में जिनकी क़यादत मुसल्लम और दिलों की बातें बयान करने में उन पर इंतहा है। आगाज़ कीजिए। सबसे पहले तो जाहिर है ये हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ही खासा है कि मुख्तलिफ़ ज़मानों के अकाबिर सूफिया ने ख़ास तौर पर जिस अंदाज से आपकी आमद से पहले आपकी बिशारतें दी, मेरा ख़्याल है यहीं से आगाज़ कीजिए अकीदतों का। जुनैद भाई बहुत शुक्रिया, बहुत ख़ूबसूरत सवाल है और अहम सवाल है। हुज़ूर शेखुल कुल अबू मोहम्मद मुहैद्दीन शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह व रदियल्लाहु ताला अन्हु, आपके हवाले से जहाँ तक आपने पूछा कि बशारात, साफ़ ज़ाहिर है कि बशारात का ताल्लुक़ आपकी विलादत मुबारक से कबल के साथ है, यानी आपके पैदा होने से भी पहले विलादत से पहले अकाबरीन ने क्या कुछ आपके बारे में फरमाया जनाब? इसका जवाब है बिल्कुल फरमाया। और इसको देखिए कि हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपको हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर होने का ये फैज़ मिलता है कि बहुत सारी मुनासिबात आपको मिलती हैं। जैसे आका अलैहिस्सलाम तमाम अंबिया के आखिर में तशरीफ़ लाए और अपने से पहले मबूस होने वाले अंबिया किराम से अफजल ठहरे, तो इसी तरह शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदिल्लाहु ताला अन्हो आप बहुत सारे औलिया किराम के बाद तशरीफ़ लाए, आपका ज़माना मुबारक, और यकीनन आपके ज़माने मुबारक के बाद अब तक और क़यामत तक औलिया किराम की तशरीफ़ आवरी होती रहेगी, मगर आप अपने अव्वलीन और आखरीन से अफजल हैं। ये दर्जा आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाया और ये आका अलैहिस्सलाम की शान का फैज़ है। फिर इसी तरह आका अलैहिस्सलाम की शान का दूसरा फैज़ आपको ये भी मिलता है, जैसे आका अलैहिस्सलाम के बारे में आपसे कबल मबूस होने वाले अंबिया किराम बशारात देते रहे कि आप तशरीफ़ लाने वाले हैं, तशरीफ़ लाने वाले हैं, तशरीफ़ लाने वाले हैं, तो इसी तरह हुजूर गौसुल आज़म रदिल्लाहु ताला अन्हो के बारे में भी आपसे कबल गुजरने वाले औलिया किराम बशारात देते रहे कि आप तशरीफ़ लाने वाले हैं। ये भी मैं समझता हूँ कि आका अलैहिस्सलाम की निस्बत का फैज़ उनको हासिल होता है। अच्छा, फिर ये जो मुबशरात हैं इस पर एक उसूली बात अर्ज़ करना चाहता हूँ। कुरान मजीद ने सूरह यूनुस की आयत नंबर 64 के अंदर फरमाया है लहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा, कि अहले ईमान के लिए बशारात हैं दुनिया में भी और आखरत में भी। अब दुनिया में जो बशारात हैं अहले ईमान के लिए वो क्या हैं, वो बशारात क्या होती हैं, इसको एक हदीस पाक से अगर तशरीहन ले लिया जाए जिसको इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने नकल फरमाया और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया लम यबके मिनन नबुव्वते इल्लल मुबशरात। सहाबाए कराम ने फिर पूछा, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नबुव्वत से कुछ भी बाकी नहीं रहा सिवाए मुबशरात के, तो सहाबाए कराम ने पूछा वो मुबशरात क्या हैं, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अर्रुया अस्सालिहा, वो नेक ख्वाब हैं। यहाँ से कुरान मजीद की इस आयत से और इस हदीस मुबारक से इस्तदलालन ये एक जुमला अर्ज करना चाहता हूँ कि मुबशरात हक हैं, ठीक, लिहाजा अगर किसी के बारे में बशारात पाई जा रही हैं तो इसको कोई शख्स अगर कंट्रोवर्शियल करना चाहे और वो कहे जी ये कैसे हो सकता है कि किसी के आने से पहले पता चल जाए, तो ये अल्लाह की जानिब से होता है। बल्कि मेरा ख्याल है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मतलब जब बशारत दी गई है तो आप देखिए उनके साहबजादे की और उनके पोते की जो बिशारत एक साथ ही दी गई ना, बिल्कुल हजरत इब्राहिम, वो कुरान मजीद में तो हजरत इब्राहिम तो बड़ी को जैसे बशारत दी गई जैसे हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को बशारत दी गई कि आपके बेटे हजरत यहया अलैहिस्सलाम होंगे और अल्लाह ने उनका नाम भी पहले रख दिया, तो गोया बशारात मिन जानिबिल्लाह
फिर इसी तरह बशारात औलियाए किराम की जानिब से आपके हक में, जैसे आका अलैहि सलाम के हक में अंबियाए किराम की बशारात मौजूद थी, तो ये मुनासिबत हुजूर गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हासिल होती है। फिर आपके बारे में जिन जिन हस्तियों ने वो बशारात दी उनमें बहुत बड़े बड़े नाम आते हैं, उन्होंने अपने मुकाशफात और मुबशरात के ज़रिए से गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत से कबल आपकी तशरीफ़ आवरी के बारे में बताया। जैसे आपके बारे में हज़रत शेख अबू अहमद अब्दुल्ला बिन अली बिन मूसा आपके बारे में आता है कि आपकी विलादत से 6 साल पहले कमोबेश आपने ये बशारत दी थी कि एक ऐसी हस्ती आने वाली है जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये इज़्न होगा कि वो फरमाएंगे कदमी हाज़ही अला रकबत कुल्ले वलीयन, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। इसी तरह हजरत ख्वाजा हसन बसरी सुभान अल्लाह क्या क्या तआलान जिनको बराह रास्त हजरत मौला कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम से फैज़ हासिल होता है, उन्होंने अपने एक मुरीद खास को एक मुसल्ला अता फरमाया बतौर अमानत के बतौर तोहफा के, और आपने फरमाया कि मेरे बाद एक हस्ती शेख अब्दुल कादिर जिलानी तशरीफ लाने वाले हैं उन तक मेरा ये तोहफा पहुँचा देना, और वो तोहफा आप तक पहुँचा। इसी तरह हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में आता है, क्योंकि आपको आप बहुत बड़े मनसब पर फायज थे, तो आप एक दिन मनसब पर तशरीफ़ फरमा थे और आपके दिल में ख्याल आया कि क्या मुझसे बढ़कर भी कोई विलायत के दर्जे और कुर्ब इलाही और मारिफत इलाही के दर्जे पर फायज है, और आपने इरादा किया कि मैं कहूं कि अल्लाह ने मुझे यगाना बनाया है, यकता बनाया है और मुझे ये दर्जा अता फरमाया है, तो यकदम आपके ऊपर हुजूर गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रूह मुबारक जलवा गर हो गई, और आपने कश्फ की हालत में उनके मुकाम और मर्तबे को देखा और फिर अपना सर मुबारक झुकाते हुए फरमाया नहीं, मेरे बाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी तशरीफ लाने वाले हैं जिनको अल्लाह ये मनसब अता फरमाएगा कि वो तमाम औलिया से अफजल होंगे। इसी तरह शेख अबू बकर अलैहि रहमा ने, शेख अकील संजी रहमहुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, तो बहुत सारे अकाबिर औलिया ने यानी अपनी रूहानी ताकत से और मुकाशफात से हुजूर गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत से पहले आपकी आमद को देख भी लिया और अपने अकीदतमंदों को बता भी दिया कि आपकी तशरीफ आ क्या कह रहे हैं क्या कह रहे हैं क्या कह रहे हैं। अब आइए ज़रा जो बड़ा अहम तरीन और बड़ा रेलिवेंट आज के एतबार से सवाल, आज उम्मत मुस्लिमा तो फारिग हो गई ना, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं, 57 इस्लामी ममालिक जो है उन्होंने तो उम्मत पे एहसान कर दिया एक इजलास करने के बाद, आज हर उम्मती की ज़ुबान पे एक ही बात है, काश को अयूबी, काश को अयूबी। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह उनकी फतूहात ख़ास तौर पे जब बैतुल मक़दस फतह होता है तो उसका एक राज हमें यह समझ आता है एक तिफले मकतब की हैसियत से कि आपके लश्कर के अंदर जो है दो मतलब बड़ी शख्सियात की जो हैं वो तलामिज़ा मौजूद, एक तरफ इमाम गज़ाली अलैहि रहमा और दूसरी तरफ गौसुल आज़म दस्तगीर हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तलामिज़ा, और उनमें भी कमाल ये है कि इमाम इब्ने क़ुदामा जो हैं वो बेसिकली आपके जो है अपने चीफ़ ऑर्गेनाइज़र कह लीजिए, चीफ़ कमांडिंग ऑफिसर कह लीजिए, वो थे। तो उन्होंने यानी इब्ने क़ुदामा ने भी जिस अंदाज़ से एक तो आपसे फैज़ हासिल किया और खराज तहसीन पेश किया, बताइए ज़रा बल्कि इस पूरे मंजरनामे को बयान कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुनैद साहब, तारीख़ इस्लाम के औराक़ को देखें ना तो उसमें जिन हस्तियों के नाम सुनहरे हरूफ से लिखे गए हैं उनमें सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का एक नाम है, और ये तारीख़ इस्लाम की पेशानी पर एक चमकता झूमर है। ऐसे इनके पेश नज़र क्या चीज़ थी? इनके पेश नज़र ये था कि वो हदीस पाक कहती है, ला यदु कौमुल जिहादी फ़ी सबीलिल्लाहि दरबहुमुल्लाहु बिज़ुल, जो कौम जिहाद छोड़ देती है अल्लाह उसे रुस्वा कर देता है। तो आपके पेश नज़र ये बात थी, और दूसरी हदीस ये थी, अल इस्लाम याउलू वला योला, इस्लाम ने हमेशा गालिब आना है, मगलूब नहीं होना। और फरमाया कि जिहाद जो है अल जिहादु मादिन इला यौमिल क़यामा, जिहाद क़यामत तक जारी रहेगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पेश नज़र ये सब चीज़ें मौजूद थीं। और यहाँ मैं हदिया नाज़रीन ये बात करना चाहता हूँ कि एक ऐसी बात जो बिल्कुल बंदे को वरता हैरत में डाल देती है, वो क्या? वो 10 साल की उम्र में आपके वालिद नजमुद्दीन जो के मुरीद थे गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला ले के अपने साहबजादे को लेके गए, और आपने देखा और दस्ते शफकत रखा, फरमाया कि आपका ये बेटा इस्लाम का अजीम मुजाहिद बनेगा और इसकी पेशानी पर मैं फतूहात देख रहा हूँ। वाह, यानी उस वक्त 10 साल की उम्र में तो खास आपने फरमाया कि ये इस्लाम का अजीम मुजाहिद बनेगा, और आप फिर मदरसा कादरिया से आपने तालीम हासिल की, तरबियत भी हासिल की, और आप मुरीद भी गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह के। सुभान अल्लाह, सुभान। अच्छा, यहाँ मैं जो इस बात की बतौर ख़ास निशानदेही करना चाहता हूँ कि असर हाजिर के मदारिस ने अपने आप को महदूद कर लिया और वही ट्रेडिशनल जो एजुकेशन है उसको प्रमोट करते चले गए।
मदरसा कादरिया के अंदर एक बाकायदा अस्करी विंग था और वो हरकत उल जिहाद के नाम से जाना जाता था, जहाँ कुरान, फिक्र, तफसीर, हदीस, मंतिक, फलसफा की तालीम दी जाती थी, उनके साथ साथ उनको अस्करी फनून भी सिखाए जाते और थे। ये हमने माइनस कर दिया। हाँ, ये हमने माइनस कर हमने बिल्कुल माइनस कर इसको माइनस कर दिया। देखिए, वो बाकायदा वहाँ घुड़सवारी की तरबियत दी जाती थी, तीरंदाजी की, नेजाबाजी की, तलवार जनी की, तैराकी की। हाँ, तैराकी की, बिल्कुल। ये सारी तरबियत वहाँ दी जाती थी और जो बच्चा वहाँ से इल्म हासिल करके निकलता था वो बेहतरीन मुजाहिद भी होता। आप अमेजिंग बात बता रहे हैं। बिल्कुल, ये बड़ी हैरत की बात है। हाँ। ये आज असर हाजिर के हमारे जितने भी नाजमीन हैं, मदारिस हैं, उन्हें कम से कम इस बात पर गौर करना चाहिए कि महज एक तोते तैयार कर देना ये कोई कमाल नहीं है, बल्कि उन्हें इन तमाम तकाजों के लिए तैयार करना चाहिए। तोतों की बजाय बास तैयार करें ना। बास तैयार करने चाहिए, मतलब वहीं एक ग्राउंड के अंदर जो एक पूरा सेटअप होना चाहिए, घुड़सवारी, तीरंदाजी वगैरह सब कुछ सिखाया। और बिल्कुल, और देखिए फिर कैसी बात है कि यही मुजाहिद जब ये बैतुल मक़दस फतह होता है और जब एनालाइज किया जाता है उनके लश्कर को, तो मोर देन 50% वो तादाद मदरसा कादरिया के मुजाहिदीन के और तलबा के, और उलमा भी थे और मुजाहिदीन भी थे। और ये तारीख हकीकत है जिसको डिनाई नहीं कर सकते, और कुछ परसेंट उसमें जो था मदरसा निजामिया इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला लेके जो थे शागिर्द थे, कुछ वो लोग मौजूद थे। बाबों ने ये काम किया। हाँ, ये काम किया। बाबों ने क्या? बाबों ने ये काम किया। आज तनकीद की जाती है कि बाबों ने क्या किया। बाबों ने यह किया कि बैतुल मक़दस की जो फतह है उसके पीछे सबसे ज्यादा हाथ फैजान गौसे आजम रहमतुल्लाह ताला लेके, और किसी हद तक इमाम गजाली रहमा का भी फैजान जो है जारी है। और ये इस तरह बैतुल मक़दस फतह हुआ। हमने इस पर कभी गौर नहीं किया। और देखिए, अपना जब इलाके फतह किए, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने हतीन को किया, मूसिल को किया, और शाम को किया, हिल्ब को किया, नाबलूस को, याफा को, सैदून को, बैरूत को फतह करने के बाद फिर बैतुल मक़दस का मुहासरा किया। और आपने बेलिन को दावत दी कि मैं तुम्हें दावत देता हूँ कि तुम बगैर खून खराबे के चुप करके शहर मेरे हवाले कर दो, वाह, ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। लेकिन वो नहीं माना। जब आपने फिर मुहासरा किया 6 दिन के बाद, आपने जाके फिर मंजनीक से जब पत्थर और तीरंदाजी की गई, एक किस्सा टूटा, अंदर गए और उसके बाद आपने बैतुल मक़दस पे कब्जा कर लिया। और आप हैरान होंगे, नूरुद्दीन जंगी ने मिंबर तैयार करवाया था। इनके बाहमी इनके रब्त और ताल्लुक देखिए और एहतराम देखिए। आपने फरमाया कि वो फैज याफ्त और मुरीदीन में से वो भी फैज याफ्त है आपके। और आपने फरमाया मैं अपने हाथों से, क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी, लिहाजा ये मिंबर भी अपने हाथों से वहां रखूंगा। और फिर रिवायात में आता है 8 दिन सुल्तान ने सफाई करवाई बैतुल मक़दस की, और जब जुमे का दिन आया तमाम मोजनीन को जमा किया और इंतहाई रूह परवर मक़दस था जब मोजनीन अजाने दे रहे थे। और उस कुतुब में आता है वल्लम्मा अज़न अल मोजिनून, और जब मोजनीन अजाने कहना शुरू की, कादत अल क़ुलूब ततीरु मिनल फरही, तो जर्नैलों की और लोगों की रूहें निकल कर बैतुल मक़दस के बाहर रक्स गुना थी। वो ऐसा रूह परवर मंजर था। वा, वा, वा। इस तरह आपने फतह किया। और ये मंजर, और इब्ने क़ुदामा फरमाते हैं, अच्छा मैं यहाँ एक और चीज़ देखता हूँ, मेरा भी तल्लुक मदारिस की दुनिया से है। नाज़मीन जो हैं इनके साहबजादे और ये खुद अपने आप को सुपर नेचुरल क्रिएचर समझते हैं। गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला इब्ने क़ुदामा फरमाते हैं कि हमें इस बात पर हैरत होती थी कि आपके साहबजादे यहया इब्न अब्दुल कादिर हर शाम आके हमारे चिरागों में तेल डालते, हमारे चिरागों को रोशन करते और घर से खाना पकवा के ला के हमारे हमें पेश करते। कमाल है, कमाल। मुहतमीम, नाज़िम आला और गौसे आज़म जैसे शख्स, क्या तवाज़ो देखें। और बेटों की तरबियत क्या देखें, फरमाते हैं, और उसके बाद नमाजें भी हमारे साथ पढ़ते और सबाक भी हमारे साथ दोहराते। वाह। अल्लामा इब्न तैमिया का महबूब सुबहानी से जो अकीदत और मोहब्बत का अंदाज़ है अल्लामा साहब, ये बड़ा ख़ास इस एतबार से। पहले तो ये हायरार्की भी समझा दीजिएगा इब्न क़ुदामा की और मतलब अल्लामा इब्न तैमिया की भी लोगों को, ताकि ज़रा क्लैरिटी के साथ समझ आए। फिर अपनी तशरीफ़ में ख़ास तौर पर जो है शेख शाहबुद्दीन उमर सुरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह का जिस अंदाज़ से आपने हाल बयान किया, फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये जिस तरीके से अमल और कशफ व करामत में ये महताब की तरह नज़र आते हैं, इसी तरीके से ये इल्मी मैदान के भी शाह सवार हैं। आपने 33 साल तक इल्म पढ़ाया है, आपने हदीस पढ़ाई है, तफसीर पढ़ाई है, तो जिस बंदे को ये बात याद रखनी चाहिए, जिसे इल्म की खुशबू हासिल हो या फिर विलायत की खुशबू हासिल हो, वो हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी को ज़रूर सलाम करता है। क्योंकि हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े बड़े उलमा के असातिज़ा में भी शुमार होते हैं, बल्कि आपके बारे में कहा जाता है कि आप उस्ताज़े शुयूख़े आलम हैं,
आपको हज़रत अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी कहते थे, उस्ताद शुयूख आलम है। तो इबन तीमिया भी ज़ाहिर सी बात है आप इल्म का एक बहुत बड़ा नाम है, तो अगरचे उनके साथ इख्तिलाफ़ भी रखा जाता है, लेकिन हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो हस्ती हैं कि आपके साथ किसी ने इख्तिलाफ़ भी किया है तो मोहब्बत से किया है, और इत्तिफाक़ किया है तो दोनों हाथों से सलाम करते हुए इत्तिफाक़ किया है। इबन तैमिया वो हस्ती हैं कि जो इबन कय्यम के भी हम असर हैं, और इस तरीके से इबन कुदामा और इबन रजब जो है वो इनके असातिज़ा में शुमार होते हैं, और वो आगे हजरत हजूर गौसुल वरा के जो है ना वो शागिर्दों में और मुरीदों में शुमार होते हैं। मतलब इबन तैमिया जो है अपना पोते शागिर्द हुए ना, पोते शागिर्द हुए, और ये कहा करते थे, इनकी किताब है अल इस्तिकामा, दो वॉल्यूम पर मुश्तमिल है, उसके अंदर बड़े बड़े अकाबिर औलिया का जिक्र किया, उसमें ये हस्ती हजूर सैयदी गौसुल वरा वो हस्ती हैं कि जिनके लिए वो कुतबुल आरिफीन का लकब इस्तेमाल किया करते थे, और या फिर अशेख का लकब इस्तेमाल किया करते थे, और आपके कशफ को इन्होंने जिक्र किया है, हालांकि इनको वो लोग अपना उस्ताद और मुर्शिद मानते हैं जो कशफ के जो है ना वो खिलाफ बातें करते हैं, इन्होंने हुजूर सैयदी गौसुल वरा का कशफ बयान किया है, और वो कशफ भी इस तरह बयान किया है कि शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह के वाक़े को अपनी किताब में नकल किया कि वो फरमाते हैं कि मैं मंतिक और फलसफे का दिलदादा था, और मैं चाहता था कि इसको मैं पहले इल्म को हासिल करूं, तो फिर जो है ना मुझे मेरे उस्ताद ने और मेरे चचा जान ने अबू नुजैब सोहरवर्दी ने कहा कि सबसे पहले हम हजरत सईद अब्दुल कादिर जिलानी के पास जाते हैं, उनसे मुशावरत करते हैं कि हमें सबसे पहले कौन सा इल्म हासिल करना चाहिए और किस इल्म में सबसे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए और वक्त देना चाहिए। कहते हैं असर की नमाज में हम हजूर सईद गौसुल वरा के पास पहुंचे, नमाज पीछे पड़ी, और उसके बाद जैसे ही मेरी तरफ हजूर सईद गौसुल वरा की निगाह पड़ी, ये इब्ने तैमिया इसको नकल कर रहे हैं, जैसे ही निगाह पड़ी और मुझे हजूर सईद गौसुल वरा फरमाने लगे, मियां कब्र में कौन सा ज्यादे राह होगा, कब्र में तुम्हें कौन सा इल्म पहले काम आएगा, मुतकल्लिम थे ना, हाँ, कब्र के अंदर जो है ना आपको कौन सी चीज जो है ना नूर की मानिंद मिलेगी, तो कह रहे हैं कि मुझे पता चल गया कि ये जान गए कि मेरे दिल में क्या बात है और मुझे किस बात की तरफ आगे बढ़ना है। तो हजरत अब्दुल कादिर जिलानी के इस अल्फाज के बाद इब्ने तैमिया लिखते हैं कि रब तबारक व तआला ने अब्दुल कादिर के दिल पर कशफ फरमा दिया और उनकी बात को वाजे कर दिया बगैर बताए वाजे हजरत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की जो गुफ्तगू थी, जो दिल में लेके आए थे कि हम मशवरा करेंगे, वो बगैर बताए बगैर पूछे हजरत अब्दुल कादिर जिलानी ने उसकी रहनुमाई फरमाई। यानी यूं कहिए कि उनके सीने के इल्म को रीसेट कर दिया, रीसेट कर दिया, क्योंकि अगर मैं ये कहूं तो गलत ना होगा, बल्कि मुझे एक मुमासलत याद आ गई, अगर मेरी जरा तस्दीक कीजिएगा कि जाहिर आप तो चूंकि कदम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे थे, तो वो मुअज्जा मेरे सरकार का कि जनाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो है उनके सीने की याददाश्त, मतलब उनकी यूं कहिए कि हाफजे को रीसेट कर दिया सरकार अलैहि सलाम ने अपने दस्ते मुबारक से, और यहाँ उनकी आल ने जो है अपनी निगाह से जो है उनके इल्म को रीसेट कर दिया। असल में मामला किबला यही है ना कि जो वली होता है वो नबी के मौजजे का फैज ही पा रहा होता है, तो जिसको मौजजा नबवी समझ में आ जाता है तो उसे करामत वली भी समझ में आ जाती है। बात यह है कि इंसान अपनी अकल पर ठहरा होता है, वली के ऊपर जो छमाछम बरसात रब की रहमत की बरस रही होती है उसकी तरफ अगर नजर चली जाए और उनके कामों की तरफ नजर चली जाए, जैसे किबला डॉक्टर साहब ने अभी इतनी तफसील से जो है ना वो बैतुल मकदस के बारे में बताया कि वो सारी जो बरकात हैं वो हुजूर सैयदी गौसुल वरा का फैजान है, और वो फैजान क्यों ना हो जिनके ऊपर हर वक्त अल्लाह की रहमत बरसती है, तो क़यामत तक आने वाले जितने भी साहिबान इल्म हैं वो कभी भी हजरत अब्दुल कादिर जिलानी पर तान नहीं करेंगे जिन्होंने इल्म को पाया है, क्योंकि ये वो हस्ती हैं जिन्होंने इल्म को हकीकी मानों में रीसेट किया और क़यामत तक के लोगों के लिए एक रास्ता दिया कि सराह पर चलोगे तो रब का भी फैज मिलेगा और नबी करीम का भी फैज। सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब ये बताइए ज़रा, इमाम याफ़ई, हाफिज़ इब्न कसीर, इमाम इब्न रजब हम्बली, इमाम ज़हबी, इमाम उल-इज़ बिन अब्दुस्सलाम, इमाम यहिया बिन नजाह अल-अदीब, इमाम अबू मोहम्मद खशाब नहवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहिम, यानी ये जितनी भी हस्ती और इसके अलावा दीगर हस्तियाँ जो एतराफ़ किया और कमाल एतराफ़ किया है गौसे पाक की बारगाह में, ज़रा बताइए।
बहुत खूबसूरत पहलू की तरफ आपने मुतवज्जे किया जुनैद भाई। हुजूर गौसुल आज़म रज़ील्लाहु ताला अन्हो, आपकी शख्सियत का एक ये करिश्माती पहलू है कि आपकी ज़ात मुकाम और मनसब का हर एक ने एतराफ़ किया। अलबत्ता एतराफ़ अपने अपने एंगल से किया। किसी ने आपके कशफ व करामात का एतराफ़ किया, किसी ने आपके इल्मी मुकाम का एतराफ़ किया, किसी ने आपकी जो तबलीग दीन के लिए मसाई जमीला थी उसका एतराफ़ किया, किसी ने उन खिदमात का एतराफ़ किया जैसा कि बैतुल मक़दस की फतह के पीछे आपका एक किरदार था। तो गोया एतराफ़ तो मौजूद हैं और ये आपको एहसास जाता है कि आज जो हम मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स के अंदर या मकातब और धड़ों के अंदर बटे हुए हैं, इन बटे हुए लोगों के पीछे अगर हम चलते जाएं तो ये जिन जिन को क्लेम करते हैं, जिन जिन को ओन करते हैं, वो तमाम अकाबरीन, वो तमाम बड़े बड़े उलमा, मुफस्सरीन, मुहद्दिसीन, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मोतरफ भी नज़र आते हैं और अकीदतमंद भी नज़र आते हैं। वजह ये थी कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी ज़ात और शख्सियत का सिर्फ एक पहलू नहीं कि बहसियत विलायत के या विलायत कुबरा के उस एतबार से देखें और करामात और कश्फ इसी को देखें, आप सबसे पहले तो इल्मी मैदान के अंदर जिस तरह उतरे, असल बात वो इल्मी मैदान के अंदर देखें, 13 असबाक कमोबेश थे ऐसे ही जो आप रोजाना पढ़ाते थे ऐसे ही, और 33 वर्ष तो आप मसनद तदरीस पर फायज रहे और आखिरी उम्र मुबारक तक 90 साल उम्र मुबारक इल्म से जुड़े रहे। यही वजह है कि फिर जिस जिस को भी इल्म की खुशबू मुयस्सर आई ना, हर उस फर्द ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी का एतराफ किया। इमाम इब्न जौजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप एक दिन जाते हैं उनकी मजलिस में के देखते हैं आप क्या बयान करते हैं। हुजूर गौसुल आज़म रज़ील्लाहु ताला अन्हो ने एक आयत मुबारक पढ़ी और उसकी तफसीर बयान फरमाई, तो उसकी तफसीर बयान की तो इमाम जौज़ी के साथ अबुल अब्बास अहमद बिन अहमद बगदादी भी मौजूद थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा, उन्होंने कहा हाँ ये तफसीर तो हमारे भी इल्म में है। फिर आपने दूसरी बयान, फिर 10 तफसीरें बयान की, 10 तफसीरों तक वो एतराफ़ करते रहे कि ये हमारे इल्म में है। फिर आपने 11वीं तफसीर बयान की तो इमाम जौज़ी ने कहा ये मेरे इल्म में नहीं। फिर आपने 12वीं तफसीर बयान की, हत्ता के 40 तफसीरें बयान की और वो 40 की 40 उनके इल्म में नहीं थी। और फिर इसके बाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं अब हम काल से हाल की तरफ मुंतकिल होते हैं, और फिर आपने वो अपना तसर्रुफ फरमाया कि इमाम जौज़ी भी हालत वज्द में आ जाते हैं। ऐसे इमाम याफ़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनका आपने पूछा, आप फरमाते हैं कि हुजूर गौसुल आज़म रज़ील्लाहु ताला अन्हो का जितना इल्म वसी हमारे सामने आता है, इतना वसी इल्म का मालिक हमने किसी को नहीं देखा, और जितनी करामात कसीरा आपसे मनकूल हैं और आपके बारे में मनकूल हैं, इतनी कसीर करामात किसी वली के बारे में मनकूल होकर नहीं हमारे सुभान। इसी तरह अगर हम बात करें इमाम इब्ने रजब हम्बली, पहले भी उनका तस्करा हुआ, आप फरमाते हैं कि ये जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम और अलकाबात हैं जिनको हाफिज इब्ने कसीर ने भी लिखा और दीगर आइमा ने लिखा, काबिरी ने, वो फरमाते हैं कि ये सिर्फ नाम के अलकाबात नहीं है बल्कि इनके अंदर जितनी मानवियत पाई जाती है वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की शख्सियत का हिस्सा है। आखिरी बात एक, इसी तरह हजरत मोहम्मद बिन खशाब नहवी, नहव के बहुत बड़े इमाम थे, वो आपकी मजलिस में जाते हैं कि मैं देखूं कि इल्म के इतने मनसब पर हैं तो फिर नहव के कितने उसूल कवायद जवाबत आप बयान करते हैं। तो वो गए और कुछ देर बैठने के बाद उनके दिल में ख्याल आया कि लगता है मेरा तो आज का दिन ज़ाय गया, तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कशफन फरमाया एक जुमला अपने वाज के अंदर फरमाया कि क्या तुम नहव के इल्म को जिक्र इलाही पर तरजीह देते हो? ये जिक्र इलाही और मारिफत इलाही की मजलिस से नहव का कोई नुक्ता नहीं भी आया तो इससे बेहतर जिक्र इलाही। बहुत शुक्रिया आप तीनों अहबाब का तशरीफ लाए इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला कल बरोज़ महशर हुज़ूर गौसुल आज़म दस्तगीर हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सदका जिक्र करने वालों और सुनने वालों को अता फरमाए। किताब शिफा की जानिब आपको लिए चलते हैं। सूरह कौसर की फजीलत, जो शख्स औलाद नरीना की नेमत तलबगार हो 41 दिन तबला मुबालगा 111 बार सूरह कौसर का विर्द करे इंशाल्लाह बहुत जल्द मुराद पूरी होगी। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला का कौल मुबारक है कि ऐ मुसलमानों तुम हर हाल में तकवा इख्तियार करो क्योंकि तकवा दीन का लिबास है। तस्वीर शहे अर्ज़ो समा
तस्वीर शहे अर्जो समा नूर इलाही बगदाद के माही। तस्वीर शहे अर्जो समा नूर इलाही बगदाद के माही। रुतबा तेरा अज रोज़ अजल ठहरा जुदाही बगदाद के माही बगदाद के माही। तस्कीन दिले सैयदा ज़हरा अली हो वलियों के वली हो। तस्कीन दिले सैयदा ज़हरा अली हो वलियों के वली हो। आबाद रहे दर तेरा कायम रहे शाही आबाद रहे दर तेरा कायम रहे शाही। बगदाद के माही बगदाद के माही। ए इब्ने अली इब्ने हसन इब्ने हुसैना गौसु सकलैना। ए इब्ने अली इब्ने हसन इब्ने हुसैना गौसु सकलैना। किस शान का तू अब्द है किस शान का तू अब्द है। ये जाने खुदा ही बगदाद के माही बगदाद के माही। जद्दा है तेरी बिन्ते असद जहरा खदीजा ए माओ मल जा। जद्दा है तेरी बिन्ते असद जहरा खदीजा ए माओ मल जा। दादा असदुल्लाह तो नाना तेरा माही बगदाद के माही। दादा असदुल्लाह तो नाना तेरा माही बगदाद के माही। करबल में पढूं असर तो मशहद में सहर हो ऐसा भी सफर हो। करबल में पढूं असर तो मशहद में सहर हो ऐसा भी सफर हो। बगदाद नजफ तैबा का बन जाऊं मैं राही बगदाद के माही बगदाद के माही। हसनी भी सनागर है तो ये तेरा करम है। हसनी भी सनागर है तो ये तेरा करम है। तुझ ही को भरम है मुझ जैसे गुनाहगार से भी तूने निभाही बगदाद के माही। मुझ जैसे गुनाहगार से भी तूने निभाही बगदाद के माही। तस्वीर शहे अर्जो समा नूर इलाही बगदाद के माही। रुतबा तेरा अज रोज़ अजल ठहरा जुदाही बगदाद के माही बगदाद के माही बगदाद के माही बगदाद के माही।